हेलो गाइस, स्ट्रीम स्टार्ट हो चुका है। स्ट्रीम नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। हम ये भी मैच अपलोड करने वाले हैं क्योंकि इंटरनेट आ चुका है, पर इतना भी स्ट्रांग नहीं आ चुका है कि हम प्रॉपर स्ट्रीम करें। थोड़े सा उसमें मतलब ये है, क्या बोलते हैं उसको, समझ नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, इशू है। मतलब हम गेम से एग्जिट हो सकते हैं तो ये मैच रिकॉर्ड नहीं, मतलब स्ट्रीम नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने यहाँ आज भी सोचा है कि हम आज स्ट्रीम नहीं करेंगे। हम ये गेमिंग अपलोड कर देंगे गेम के बाद 30 मिनट के अंदर ही अंदर ये अपलोड हो जाएगा, क्योंकि नेट का स्पीड है अच्छा, पर इतना भी अच्छा नहीं कि स्ट्रीम कर पाए। तो देखते हैं आज क्या होता है और कौन सी टीम जीतती है। और आपको पता नहीं होगा तो वेगा के टूर्नामेंट है, वेगा स्पोर्ट्स की, तो 32 टीम्स की हमें ज़रूरत है। रजिस्टर कर दो जल्दी, और एंट्री भी 50 रुपीज़ है। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे रेबेल मतलब सुशांत, उनको कांटेक्ट कीजिए, वो ग्रुप में है हमारे, वो आपको सब बता देंगे टूर्नामेंट के बारे में। चलो गाइस, देखते हैं आज कौन कौन सी टीम आ चुकी है। यहाँ पर डिमोन की टीम है, यहाँ पर हाफिज की भी टीम है, टोनी स्टार के, एपेंसी एवेंजर आई थिंक, यहाँ पर है हमारा जोकर की टीम भी है, एफसीडी का बनी भी है, और फिनिक्स भी है यहाँ पर, वेगा डिक्टेटर है वहाँ पर, ओमकार है, यश है, पेगा अंगार की टीम भी है, एम्पायर की टीम भी है। एम्पायर की पूरी लाइनअप आ चुकी है यहाँ पर खेलने के लिए, जोकर की टीम और बहुत सारे भागों की टीम वगैरह सब आ चुके हैं। देखते हैं, यहाँ पर शैनॉफ का मैच है और मैं पहली बार आई थिंक शैनॉफ का मैच कॉमेंट्री कर रहा हूँ, तो देखना पड़ेगा क्या होता है। वहाँ पर टोनी स्टार की टीम देख सकते हो, अकेले वहाँ पर जा रही है, और यहाँ पर तो बसड़ हो चुके हैं, दो टीम यहाँ पर जा चुकी है हमारी बुट कैम्प पर। हमारे कौन सा प्लेयर है ये पता नहीं, यहाँ पर पिंग हाई हो चुका है, इसके कारण ही हम इंटरनेट ये कर नहीं कर रहे थे स्ट्रीम। आप लेफ्ट साइड पर इन शॉर्ट की पिंग थी, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आज हमने स्ट्रीम करने का सोचा नहीं, नहीं तो ये सब नहीं दिखता। वहाँ पर अंगर प्रणीत नॉक हो चुके हैं, जिनको किसने नॉक किया पता नहीं। यहाँ पर अंगर की अल्टरलियर फाइट हो चुकी है, प्रणीत को रिवाइव मिल रहा है यहाँ पर, और सीत सीत को देखना पड़ेगा। सीत के पास नो हेलमेट नो वेस्ट, और उनके पास एम्पोर है और एमोन है, और सामने उनके दो प्लेयर है जो टीम नंबर 9 के प्लेयर है, और ग्राउंड पे दिखाई देगा। वहाँ पर एपीएनसी एवेंजर ने एक बंदे को नॉक दे चुका है, एपीएनसी एवेंजर को देखते हैं जल्दी से जल्दी। यहाँ पर एपीएनसी एवेंजर आई एम रईस वहाँ पर 1v4 फ्यूजिव आई टी को नॉक करते हुए, वहाँ पर वेगा अभी भी नॉक हो चुका है और फिनिश भी कर दिया, वहाँ पर प्रिंस ने उनको फिनिश भी कर दिया। और यहाँ पर एवेंजर की फाइट होती हुई, कहाँ पर फाइट हो रही है एवेंजर की टीम की देखना पड़ेगा। यहाँ पर हाथीन में फाइट हो रही है और बहुत सारे स्क्वाड हाथीन में आ चुके हैं आई थिंक, देखना पड़ेगा। और वहाँ पर शुभम किंग एक नॉक देते हुए पता नहीं कहाँ पर है, पर यहाँ पर देख सकते हैं आप 20 नंबर का बंदा जो बीच सागर है वो बहुत पास है, टीम नंबर 8 और टीम नंबर 20। और एक टीम यहाँ पर है वो टीम नंबर 4, जो आराम से यहाँ पर थर्ड पार्टी कर सकते हैं। वहाँ पर जोकर एंटी किंग नॉक देते हुए, जोकर एंटी की टीम को चुनना पड़ेगा, देखते हैं जोकर एंटी की टीम कहाँ पर है। यही शैनॉक का प्रॉब्लम है कि सब पाई डी का नहीं पते, वहाँ पर अकेला बच चुका है आयार, आई थिंक वो भाग रहा है। यहाँ पर रॉबी भी एक बंदे को नॉक देते हुए, क्या ही हो रहा है यहाँ पर, शुभम किंग भी नॉक दे चुके थे और शुभम एम्पायर के साथ फाइट हो रही थी यहाँ पर शुभम की टीम की, और आई थिंक शुभम की टीम यहाँ से एग्जिट लेगी। वहाँ पर बुटकैम में भी फाइट हो चुकी है और यहाँ पर भी नॉक हो जाएगी, अच्छा वो डायरेक्ट स्पेक्टेक कर दिया। फाइट शुरू हो चुकी है यहाँ पर जोकर वर्सेस हाफिज की टीम, हाफिज का गेम प्ले देखते हैं यहाँ से हम। इतने सारे टीम यहाँ पर पहले ही एग्जिट लेंगे, पता नहीं था क्योंकि शैनॉक का मैच में बहुत सारी टीम पास पास में होती है। और यहाँ पर हम हाफिज का ही गेम प्ले दिखाते हैं क्योंकि वो अभी नॉक कर रहे थे, और आज पाए यहाँ पर हाफिज यहाँ पर टिप भी लेते हुए। वहाँ पर आई एम ऋषि नॉक हो चुका है, एयरकॉप के बंदे ने वहाँ पर नॉक दे चुका है, एयरकॉप को देखते एक बार, बहुत जगह फाइट हो रही है। वहाँ पर आई एम श्री वहाँ पर फिनिश हो जाता है इस तरीके से। आई थिंक यहाँ पर श्राउड बी टी सी की टीम के 4 किल होते हैं, और एक टीम का आई एम की टीम यहाँ पर एग्जिट लेती है गेम से। देखते हैं जल्दी जल्दी यहाँ पर ऊपर जाकर कौन सा आई एम की टीम यहाँ से एग्जिट हो चुकी है, और डेविल मोड वेगा की टीम भी एग्जिट हो चुकी है, शुभम किंग भी यहाँ से एग्जिट, गन सिंगर सुहा की और ओमकार की जो बुटके में उतरी थी वो भी फिनिश हो चुकी है, वहाँ पर अंगर ने उनको फिनिश कर लिया है। और हम अभी फाइट दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर टीम नंबर 4 पास आती हुई और हाफिज़ की टीम भी वहाँ पर फाइट कर रही है, देखते क्या होता है। यहाँ पर फाइट होने की आशंका है तो ज़्यादा है, सामने सामने बंदे
वहाँ पर टीम नंबर 20 पे पीछे है जो बॉबी और बंटी की टीम है। आई थिंक इनकी टीम का नाम बैड बॉय है। चलो इंटरनेट आ चुका है, यहाँ पर 28 पिंग मिल रही है हमें, कोई बात नहीं। और देखते हैं यहाँ पर नहीं, डेमोन कोबरा की लाइन अभी यहाँ पर आराम से लूट करती हुई, स्ट्रॉन्ग वहाँ पर है। वेगा की लाइन अभी यहाँ पर अल्फा में जा चुकी है, अंगर की लाइन अभी यहाँ पर, और प्रतीक वहाँ पर कंपाउंड लूट कर रहे यहाँ पर टीम नंबर 7 के बंदे यहाँ पर आराम से लूट करते हुए। DNW की लाइन अभी यहाँ पर पास नहीं है। आई थिंक यहाँ पर जोकर की लाइनअप और एम्पायर की लाइनअप जो पास पास आ चुकी है, इनके बीच में फाइट होती हुई, और वेनम अकेला बच चुका है, वेनम को देखते हैं एक बार। और इसी तरीके से जोकर की लाइनअप यहाँ से एग्जिट लेती है। यहाँ पर हाफिज की टीम ने उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया, और हाफिज की टीम ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है कैंप के ऊपर। और अभी एम्पायर की लाइनअप से फिर से फाइट होती हुई, हाफिज की लाइनअप अभी उन्होंने एक फाइट फिनिश किया और इनके पास 4 किले। और सामने हमारे एम्पायर का बंदा है, एम्पायर ओशन है जो पत्थर के पीछे टीपी भी ले रहा है। एम्पायर ओशन ओशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, नया बंदा है, नई टीम है, उनको भी ज़रा दिखाता है। यहाँ पर हाफिज़ की टीम हमेशा चिकन डिनर लेती है, हमें पता है बहुत सारे मैच चिकन डिनर ले चुकी है। तो आज हम एम्पायर का यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। हाफिज़ की टीम तो बढ़िया खेलती है, यहाँ पर ओशन की टीम देखना पड़ेगा एम्पायर की लाइनअप कैसा खेलती है। विराट है, दानव है वहाँ पर, और अक्की 22 भी है यहाँ पर। डिक्टेटर वहाँ पर बॉबी को नॉक देते हुए फाइट हो चुकी है, वहाँ पर बैड बॉयज़ की टीम की कहाँ पर हो चुकी है देखते हैं। बैड बॉयज़ के मध्य यहाँ पर आई थिंक थे टीम नंबर 20 वर्सेस, अरे ये क्या हो गया यहाँ पर, टीम नंबर 20 को स्पेक्टेक नहीं हुआ यहाँ पर। टीम नंबर 20 आई थिंक फिनिश हो जाएगी इसी तरीके से। बंटी की टीम यहाँ पर एग्जिट लेती हुई, देखते हैं बंटी की टीम कहाँ पर है। टीम नंबर 20 यहाँ पर एग्जिट ले चुकी है यहाँ से, और सामने टीम नंबर 4 के दो बंदे हैं आई थिंक, वो भी टीपी भी ले रहे हैं यहाँ पर। और वेगा स्लेयर अपने बंदे को सूरज को रिवा दे रहे हैं, और 4 किल ले चुके हैं यहाँ पर सूरज को लेकर के। वहाँ पर एपीएनसी एवेंजर ने डिक्टेटर को नॉक कर दिया है वहाँ पर एक बार। यहाँ पर आज भाई हमारा डार्क प्रिंस, और उसने आई थिंक 3 बंदों को नॉक दे चुका है यहाँ पर, और स्कल सेवेज अकेले बचे हुए इस टीम में से जो हल्क को नॉक दिया है उन्होंने कट्टे से नॉक करते हुए, और प्रिंस वहाँ पर 1 विकेट किया आई थिंक प्रिंस ने यहाँ पर ठीक नहीं। और इसी तरीके से यहाँ पर एवेंजर आगे ख़त्म करता है सूरज की टीम को, और इसी तरीके से 17 टीम चलाए और 4 किल आई थिंक नाम कर चुके हैं। यहाँ पर प्रिंस की टीम को देखते हैं, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं और कोबरा भी आ चुके हैं यहाँ पर, और प्रिंस को देखते एक बार 6 किल ले चुकी है टीम इन्होंने, हाफिज़ की टीम सॉरी बंटी की टीम को भी यहाँ पर ही कर दिया था। और ये देखो जोन के अंदर आती हुई बहुत सारे टीम्स, और टीम नंबर 15 भी है, और यहाँ पर आई थिंक फाइट हो जाएगी डिमोन के बंदे आई थिंक कहाँ पर देखना पड़ेगा, जोन के अंदर है यहाँ पर, तो फाइट यहाँ पर हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आयर का अकेला बंदा बच चुका था एफएनसी की टीम में, और एफएनसी का एक और एक बंदा हमने देखा था और दूसरी टीम में था वो, कोई बात नहीं चलेगा यहाँ पर, कोई बात नहीं उसको टेंशन नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड से इसे स्क्वाड जा रही है। पर हम जूम करके देखते हैं यहाँ पर बूट कैंप पर बजट बच सकती है, यहाँ पर एक रीच है यहाँ से 15 नंबर का बंदा है, और श्राउड बीटीसी वहाँ पर एक बंदे को नॉक देते हुए। श्राउड बीटीसी कहाँ चले गया, श्राउड बीटीसी को देखना पड़ेगा जो अभी इसने नॉक दे चुका है। श्राउड बीटीसी मिल गया टीम नंबर 19 में, शोगन 1 HP की टीम में यहाँ पर है टीम नंबर 19 यहाँ पर फाइट लेती हुई। और टीम नंबर 19 का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, FCT की टीम भी आ रही है यहाँ पर जोन के अंदर, बहुत सारी टीम की फाइट ये अर्लियर हो जाएंगी क्योंकि पास पास में है 1 HP शोगन यहाँ पर दिखा था वो, और सामने उसके समर्थ है, समर्थ का पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर FT की इंच राउड बेटी से वहाँ पर नॉक देते हुए। श्राउड बेटी से आई थिंक अलग है अपनी टीम से, कहाँ पर है श्राउड बेटी से देखते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा पीछे रुक रहे हैं वहाँ पर टीम नंबर 24 को एंगेज कर रहे हैं। वहाँ पर एयरकॉप नॉक हो चुका है यहाँ पर सामने वाली टीम भी, कम नहीं है डेड शॉट फॉर यू की टीम है वहाँ पर, और टोनी स्टार्क ने वहाँ पर नॉक दे चुका है। वहाँ पर डेटा मैट्रिक्स भी नॉक, नहीं डेटा की टीम में नहीं था बंदा, उसको फिनिश कर दिया यहाँ पर सॉरी। और हम इनके दो बंदों का दिखाते हैं जो साइलेंट एसोसिएशन है उसके ऊपर टीम यहाँ पर रश करती हुई है। अब यहाँ से आई थिंक श्राउड से ही बच पाएंगे, और वो भी जोन के बाहर है, उनको सर्वाइव करना पड़ेगा।
और वहाँ पर एरकॉप भी फिनिश हो जाएंगे इसके साथ। यहाँ पर डार्क डीमोन कोबरा की टीम यहाँ पर फिनिश हो जाती है, डीमोन हंटर डीमोन की टीम भी यहाँ पर फिनिश हो गई यहाँ पर, क्योंकि उनकी फाइट हो रही थी। डार्क प्रिंस की टीम ने उनको फिनिश कर दिया। डार्क प्रिंस की टीम मतलब टीम नंबर फोर बहुत अच्छी खेलती हुई, 10 kills है अभी भी और 16 teams अलाइव है, और जोन में अभी तक 3-4 ही टीम है, और देखना पड़ेगा जूम करके कि क्या होता है अभी, कौन कौन सी टीम पास पास में है। पैराइस की टीम यहाँ पर भी है, और यहाँ पर पीर प्रिंस भाई यहाँ बहुत अच्छा खेलते हुए, क्या ही खेला बंदा। यहाँ पर टीम नंबर 24 के दो आई थिंक दो बंदे जिंदा है सिर्फ, और डेटर वेट्रिक्स और FTB साइल ख़त्म हो चुका है यहाँ पर उनकी टीम का। और यहाँ पर टीम नंबर 13 यह पास आती हुई एंकर की टीम यहाँ पर बुट कैंप छोड़ के जा चुकी है जोन के अंदर, और इनके राइट हैंड साइड में अंगर की प्रेंज बहुत दूर आई थी, यहाँ बहुत दूर है। वहाँ पर आयर का बंदा एक जो अकेला बंदा है वो नॉक देता हुआ आयर का बंदा को देखते हैं कहाँ पर है वो। ये देखो यहाँ पर टीम नंबर 7 का एक बंदा उनने एंडी आर्थर को आई थिंक नॉक कर दिया, हाँ एंडी आर्थर को नॉक कर दिया था। वहाँ पर DNW नेक्सस की टीम आती है, वहाँ पर जोकर की टीम ने उनको ख़त्म कर दिया। यहाँ पर बहुत थर्ड पार्टी हो रही है, और आईएनडी आर्थर को पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि उनके टीममेट उनके पास है कि नहीं। ये बंदा भी बहुत अच्छा खेलता है पर अभी नॉक हो चुका है, क्योंकि शैनक में कहीं से भी गोलियां पड़ती है, और अपनी टीम मेट्स के पास जा रहा है। वहां पर जो शैलेश है वो उसको आई थिंक रिवाइव देंगे और ये बच जाएगा। टीम नंबर 6 पास आती हुई इनके जोकर की टीम है, जो हम यहाँ पर दिखाते हैं यहाँ पर ये क्या हो गया है ये देख सकते हो आप। यहाँ पर आईएनडी आर्थर सेफली पहुंच चुके हैं यहाँ पर फाइट हो सकती है। यहाँ पर जोकर फिनिक्स यहाँ पर नॉक होते हुए यहाँ पर, और जोकर ड्रैगन यहाँ पर सामने से है, आईएनडी आर्थर फिनिश हो जाएगा जोन की वजह से। यहाँ पर शैलेश नॉक हो चुका है, और जोकर का फिनिक्स भी यहाँ पर आई थिंक ख़त्म हो जाएगा ऐसा लगता तो है, क्योंकि जोन का डैमेज पड़ रहा है उसे भी। और यस आई थिंक ये घर चला गया, जोन से ही चला गया। और यहाँ पर FCT की लाइनअप जो उनका दो बंदे कमा चुकी है, आई थिंक यहाँ पर कैंप करना चाहेगी। FCT के बंदों को दिखाते हैं सॉरी, वहाँ पर FCT का स्पैरो अकेला बच चुका है, वो टीम नंबर 6 को मार सकता है यहाँ से, उसके सामने से रोटेशन लेगी टीम नंबर 6 स्पैरो। यहाँ पर FCT स्पैरो देखते हैं इसको, टीम नंबर 6 के बंदे ऊपर से जोकर की टीम के बंदे ऊपर से आते हुए लेफ्ट हैंड साइड में है स्पैरो के, हमें तो पता है पर स्पैरो को पता नहीं। वो उसका एक बंदा और एक चला गया है, शैलेश वहाँ पर फिनिश होता है और अकेले बच चुका है स्पैरो। देखते हैं स्पैरो क्या करता है, और हम जरा मैप पे भी देख लेते हैं कि कौन सी एल टीम जोन के अंदर, या पर वेगा की टीम और अंगर की टीम जो आ चुकी है जोन के अंदर, वहाँ पर प्रिंस की टीम भी आ चुकी है, और टीम नंबर 1 भी आ जाएगी, टीम नंबर 24 भी आ जाएगी, टीम नंबर 13 भी आती हुई यहाँ पर फाइट होती सकती है। यहाँ पर अंगर के प्रणीत नॉक हो चुके हैं, वहाँ जोन के अंदर फाइट होती हुई वेगा टीम की और अंगर की टीम की। वहाँ पर DNW मर्सी जो है ऊपर है, और उसने HCT स्पैरो को देख लिया है। वहाँ पर HCT स्पैरो जो दूसरे आइलैंड पर है, और उनको यहाँ से आई थिंक वो फिनिश करना चाहेंगे। वहाँ पर स्पैरो निकलती हुई वहाँ सामने स्प्रे देख के, यहाँ पर मर्सी का एक भी शॉट कनेक्ट नहीं हुआ, पर उनके सामने ही टीम 10 है जो इनका इनको ब्लॉक कर सकती है। वो आइकॉनिक पप्पू को देखते हैं, आइकॉनिक पप्पू आई थिंक इनको नॉक कर देगा। आइकॉनिक पप्पू आई थिंक वही वही पे है, हाँ आइकॉनिक पप्पू के पास दो दो एम्पोर है, ग्लेशियर एम्पोर है भाई के पास। और नहीं पर DNW मर्सी का बहुत अच्छा स्प्रे, और यहाँ पर नॉक हो जाएगा। यहाँ पर यश को देखते हैं, यश भी फायर कर रहा है, मर्सी थोड़ी लो HP वहाँ पर 22 के हीट मैक्स वहाँ से राइट साइड से रोटेशन ले लेते हुए, यश के राइट साइड से रोटेशन लेते हुए, और स्पैरो भी जोन के अंदर आ जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसके सामने टीम नंबर 6 है। वहाँ पर फाइट हो चुकी है, स्पैरो वहाँ पर अल्पा किरण को नॉक करते हुए, और वहाँ पर नॉक हो जाए। पीछे से DNW की टीम आती हुई नेक्सस को देखते हैं, वहाँ पर DNW मर्सी और DNW नेक्सस, यहाँ पर बहुत सारे बंदे मर रहे हैं यहाँ पर जोन की वजह से, और स्पैरो भी है राइट साइड साइड में जो अभी तक सवाई कर ले, वन मैन स्टैंडिंग है। और यहाँ पर नेक्सस आते हुए, और उनका ही बंदा टीम का बंदा है जो DNW मर्सी है, उसको ही ले लेंगे आई थिंक। DNW
क्या पता नहीं हमें ये एक ही क्लन के बंदे या नहीं। हाँ एक ही क्लन के हो सकते हैं क्योंकि हैंग सेम है यहाँ पर, और सप्रेसर की वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा था, पर DNW मर्सी नॉक हो जाते यहाँ पर। एक्सेस ने मर्सी को यहाँ पर नॉक कर दिया है, और टीम नंबर 22 के आई थिंक बाकी के बंदे यहाँ पर नहीं है, जो जरा बहुत दूर है अपनी टीम में से। हाँ अपनी टीम से जो CRT गॉड्स है वो उनको देखना पड़ेगा। गोल्ड फ्लेक वहाँ पर नॉक हो चुका है पीछे, और उनकी टीम बहुत दूर है यहाँ पर। बहुत गंदी फाइट होती हुई वहाँ पर, स्पैरो को पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए वो थर्ड पार्टी कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि वो जोन के अंदर भी आ चुका है, 4 मीटर ही जोन के अंदर आ रहे हैं। वहाँ पर CRT क्या बंदा वहाँ पर एक नॉक देते हुए, नेक्सस ने वहाँ पर मर्सी का किल कन्फर्म कर लिया है। वहाँ पर वेगा रोन नॉक होते हुए जोन के अंदर फाइट हो रही है इनकी, यहाँ पर वेगा की और अंदर की टीम के जोन के अंदर फाइट होती हुई, और यहाँ पर एफसीट स्पैरो आते हुए यहाँ पर पता नहीं नॉक नहीं दिया। पप्पू अंदर चले गए, बाल बाल बचे वहाँ पर, 4 मैन स्टैंडिंग प्लेयर है और टीम नंबर 14 का बंदा भी जो पीछे उसको भी देखना पड़ेगा, जो DNW नेक्सस है जो अपने बंदे को बचाने के लिए जा रहा है वहाँ पर। एवेंजर ने बेगर रोड को फिर से नॉक कर दिया है वहाँ पर, और यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे हमारे नेक्सस। और जोन के अंदर देखते हैं वहाँ पर जो फाइट हो रही थी वेगा की टीम की, डेटा को देखते हैं एक बार, ड्रेवल और रोहन नॉक है यहाँ पर। वहाँ पर एम्पायर दानव वहाँ पर शॉट चलाते हुए, वेगा नूप वहाँ पर नॉक हो चुके हैं, यहाँ पर अकेला डेटा नहीं फिनिश हो चुके हैं, और अकेला डेटा बच चुका है यहाँ पर। पर डिफेंस किया है यहाँ पर, एडिट कर दिया है क्लोज रेंज में, और ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर वेगा डेटा, नहीं करना था ऑन। यहाँ पर थोड़ी सी HP बची हुई थी टीम की, कोई नहीं चलो। यहाँ पर हम बाकी की टीम को देखते हैं, जहाँ पर यहाँ पर और एक टीम यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर श्राउड BTC आई थिंक अपनी टीम में से अकेला बचा हुआ है। वहाँ पर एम्पायर की स्क्वाड फाइट करती हुई, एम्पायर की स्क्वाड को देखते हैं जो नई स्क्वाड है हमारी। वहाँ पर UBU चलाते हुए यहाँ पर, सॉरी UBZ, वहाँ पर मोसी ने सामने उनके पर उनके ऊपर स्प्रे आता हुआ, एम्पायर की टीम को बहुत तकलीफ होगी क्योंकि उनको ऊपर भी जाना है। जोन 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 कहाँ लगता है उनके ऊपर है, जोन अभी भी 100 मीटर उनको जोन के अंदर जा रहे हैं। वहाँ पर प्रतीक की टीम यहाँ पर फाइट करती हुई, प्रतीक की टीम को दिखाते हैं। वहाँ पर अंगर की टीम भी आ चुकी है वहाँ पर, और आई थिंक प्रणीत नॉक हो जाएगा यहाँ पर, दानव ने नॉक दे चुका है वहाँ पर, और फिनिश भी हो जाएगा प्रणीत। और यहाँ से सामने से पुश करती हुई अक्की की टीम यहाँ पर, पुश पुश करते हुए अंकी की टीम यहाँ पर सामने, रॉबी आई थिंक अकेला बच चुका है अपनी टीम में से, टीम नंबर 12 में से। देखते हैं रॉबी यहाँ पर क्लच कर पाता है या नहीं, यहाँ पर रॉबी फिनिश हो जाएगा। श्राउड BTC वहाँ पर एक बंदे को नॉक देते हुए, जो अकेला बंदा बच चुका है वो भी फाइट ले रहा है यहाँ पर, और आई थिंक इसने एक बंदे को फिनिश कर दिया यहाँ पर। सामने डार्क प्रिंस की टीम है, BTC अकेला बच चुका है यहाँ पर। देखते क्या होता है आगे, BTC यहाँ पर क्या 1v3 क्लच कर पाएगा। सामने से पूछ तो आ रहा है, एवेंजर आई थिंक नॉक हो जाएगा यहाँ पर, एवेंजर की 1 HP और एवेंजर को नॉक कर दिया है। साउथ BTC बहुत अच्छा खेलता हुआ, पर उनको लेफ्ट साइड से ड्रिंक्स वहाँ पर शॉट्स देते हुए, और राइट हैंड साइड से हल्क पीछे से आते हुए जो बहुत ऊपर है अपने टीम मेट्स के पास आते हुए। पायराइक्स ने वहाँ पर मर्सी को नॉक कर चुका है, और मैप पर देखते हैं और मर्सी की टीम यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। मर्सी की या पता नहीं, पर किसकी, DNW की टीम है जो फिनिश हो जाएगी यहाँ पर। और 8 टीम्स बचे हुए यहाँ पर, और नीचे जाते हुए हमारे श्राउड BTC, उनको देखना पड़ेगा जोन के अंदर जाना है वो। आई थिंक यहाँ से घूम के जाएंगे जोन के अंदर, और यहाँ पर जोन के अंदर फाइट होती हुई CRT गॉड्स हैं जो अकेला बच चुका है DNW मर्सी की टीम में से। मर्सी आई थिंक मर्सी की टीम नहीं फिनिश हो चुकी है यहाँ पर, मर्सी की टीम अभी भी जिंदा है। वहाँ पर पैराइक्स का बंदा ऊपर है, ओडिन तो देख लेते हैं, ओडिन का पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार्क नॉक हो चुका है वहाँ पर, नंबर 10 के बंदे भी आते हुए, और वहाँ पर अभिषेक नॉक हो जाएंगे राइट हैंड साइड से। वहाँ पर गॉड देना था, ADS ऑन किया क्लोज रेंज में, ओडीसी ADS ऑन करने की वजह से नॉक हो चुके हैं यहाँ पर, और अकेला बंदा बच चुका है यहाँ पर यूजी रॉकर जो रिवाइव दे रहा है। वहाँ पर रोहन रिवाइव हो चुके हैं, यूजी रॉकर की भी हेल्थ कम है,
देखते क्या होता है यहाँ पर। पैरेक्स का उड़ीन खत्म हो चुका है वहाँ पर। स्पॉट ने यहाँ पर लो एच पी पे, यूजी रॉकर भी लो एच पी पे, वहाँ पर प्रिंस ने वहाँ पर आप उसको नॉक कर दिया। यहाँ पर फिर से नॉक हो जाते हैं वहाँ पर, यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। और इसको देखते हैं जो सी आर टी कॉर्ड ने, वो अकेला बच चुका है और उसको शॉर्ट्स आते हुए सामने, और रोहन सामने से आ रहा है, टीम भी नहीं लगा इनका और फिनिश कर देगी यहाँ पर। यहाँ पर गॉड्स ने आई थिंक 1v4 कर लिया है यहाँ पर। बहुत अच्छा गेम प्ले दिखा था वहाँ गॉड्स ने यहाँ पर। और एम्पायर की टीम को देखते हैं जो यहाँ पर, एम्पायर विराट एक जो लो एच पी है, बहुत कम एच पी पे, और अक्कीट अभी भी 4 टीम्स अलाए हुए। और आई थिंक एडवांटेज जोन के अंदर देखते कितने टीम से, यहाँ पर 4 टीम में से अकेला एक बंदा है। और एम्पायर की आई थिंक टीम को देखना पड़ेगा जिनमें थ्री मैन अलाए हुए। विराट अभी हीलिंग नहीं कर रहा है विराट। वहाँ पर डार्क फिनिक्स वहाँ पर नॉक देते हुए ऊपर हायर एडवांटेज देती हुई टीम नंबर 4। देखना पड़ेगा वहाँ पर एवेंजर वहाँ पर विराट को नॉक दे चुके हैं। आई थिंक विराट फिनिश भी हो जाएंगे वहाँ पर। गॉड जेन वहाँ पर एम्पायर को फिर से नॉक करते हुए, आई थिंक गॉड जेन के किल देखने पड़ेंगे 21 किल से यहाँ पर। डार्क प्रिंस की टीम के क्या ही खेल रहे हैं बंदे, बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए यहाँ पर। एपिंस एवेंजर की टीम, डार्क प्रिंस और वोल्स हल्क क्या ही खेल रहा है बंदा। और वहाँ पर सामने देखना पड़ेगा 3 टीम चलाए हुए, आई थिंक 3v1v1 सिचुएशन है। और यहाँ पर हम जिस बंदे को एक्सपेक्ट करते हैं जिसने अभी 1v4 किया है, उसके आई थिंक अकेले के 8 किल है और टीम के 8 किल ही है यहाँ पर लूट करता है। और श्राउड बीटीसी को देखते हैं, श्राउड बीटीसी क्या एवेंजर को नॉक कर पाएंगे यहाँ पर। एंगल तो ले चुके हैं पर AKM और 4x चलाते हुए टैप टैप शॉट देने की कोशिश कर रहे थे। श्राउड बीटीसी के भी अपनी टीम से के टीम के लिए 7 किल से, और टीम के भी 7 किल से, मतलब श्राउड बीटीसी और जो हमारा गॉड जेन है वो बहुत अच्छा खेलता हुआ। वहाँ पर CRT का गॉड जेन अकेला बच चुका है यहाँ पर। 1v3 सिचुएशन है, क्या ये और एक क्लच कर पाएगा देखना पड़ेगा यहाँ पर CRT गॉड जेन को। यहाँ पर गोल्डन एम्पर के साथ हमारा गॉड जेन, और सामने तीनों टीम जिनके बहुत अच्छे किल से आई थिंक 22 किल के साथ है यहाँ पर। देखना पड़ेगा यहाँ पर प्रिंस की टीम यहाँ पर 22 किल के साथ है, और गॉड जेन ऊपर आराम से लेटे हुए और उनको ढूंढा जा रहा है टीम नंबर 4 से। यहाँ पर टीम नंबर 22 का एक ही बंदा जो बच चुका है, जो क्लच कर चुका है यहाँ पर। हल्क नॉक हो जाएंगे यहाँ पर, और हल्क को आई थिंक फिनिश कर लेंगे यहाँ पर। और फिनिश हो चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर प्रिंस आता हुआ ऊपर पर मौली आ चुका है, और यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। इस तरीके से ये चिकन डिनर ले जाती है डार्क प्रिंस की टीम विथ 23 किल। और डार्क प्रिंस जो बहुत ही अच्छा खेला 15 किल के साथ, क्या ही खेला बंदा, ओपी गेम प्ले बाय डार्क प्रिंस। और हम ये स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डालते हैं। वहाँ पर हिट मैक्स की टीम में से गॉड जेन जो था वो बंदा 9 किल्स ले चुका है, सोलो परफॉर्मेंस दिखाता हुआ अपनी टीम में से गॉड जेन। और वहाँ पर एयरकॉप की जो टीम है उनमें से श्राउड बीटीसी 7 किल के साथ थर्ड नंबर पोजीशन पे अपनी टीम को लाता है। बहुत अच्छा खेले ये तीनों फर्स्ट हीरोज में बंदे। और वहाँ पर पहली टीम तो बहुत ही अच्छा खेली जिनके पास अभी 23 किल है, और इनका फोटो निकाल लेते हैं और ग्रुप में शेयर कर देते हैं। यहाँ पर डायरेक्स प्रिंस चैट में नहीं, आप कमेंट में ओपी लिख दो क्योंकि क्या ही खेला बंदा। और यहाँ पर सेकंड नंबर पोजीशन पे आते हैं हिट मैक्स की टीम, जिसमें गॉडजेन की टीम बोलना पड़ेगा 9 किल के साथ सेकंड नंबर पोजीशन पे लाकर रख दिया यहाँ पर, क्या ही खेला बंदा। और यहाँ पर श्राउड बीटीसी की टीम 7 किल के साथ थर्ड नंबर पोजीशन पे, एम्पायर की टीम यहाँ पर 11 किल के साथ 4 नंबर पोजीशन पे। एम्पायर की टीम भी बहुत अच्छा खेली, क्या ही खेली एम्पायर की टीम। और यहाँ पर पैराएक्स की टीम को यहाँ पर आई थिंक गॉड जेन ने 1v4 कर दिया, उनके कितने किले 6 किल से पैराएक्स की टीम के, हमने देखा नहीं सही था पर 1v4 कर दिया, देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर पैराएक्स की टीम के है यहाँ पर 6 किले, और यहाँ पर हाफिज की टीम के
चार किल है, सिक्स नंबर पोजीशन पे आती है प्रतीक पर 77 की, दो किल के साथ सेवन नंबर पोजीशन पे डेड शॉट फॉर यू की टीम यहाँ पर एक किल के साथ, एट नंबर पोजीशन पे नेक्सस की टीम यहाँ पर तीन किल के साथ, डेनडब्ल्यू नेक्सस की टीम यहाँ पर तीन किल के साथ, नाइन नंबर पोजीशन पे यहाँ पर टोनी स्टार की टीम यहाँ पर तीन किल के साथ, दस नंबर पोजीशन पे अंगार की टीम यहाँ पर दो किल के साथ जो रॉबी ने निकाले, इलेवन नंबर पोजीशन पे वेगा डेटा की टीम यहाँ पर ट्वेल्व नंबर पोजीशन पे जीरो किल के साथ, यहाँ पर शैलेश की टीम यहाँ पर तीन किल के साथ, मतलब एफसीटी की टीम सॉरी एफसीटी की टीम यहाँ पर तीन किल के साथ, थर्टीन नंबर पोजीशन पे अल्फा मनोज की टीम मतलब जोकर की टीम यहाँ पर दो किल के साथ, फोर्टीन नंबर पोजीशन पे भागो की टीम यहाँ पर, फिफ्टीन नंबर पोजीशन पे आयर की टीम यहाँ पर एक किल के साथ, सिक्सटीन नंबर पोजीशन पे डिमॉन स्ट्रॉम की टीम यहाँ पर एक किल के साथ, सेवनटीन नंबर पोजीशन पे स्कल सैवेज की टीम यहाँ पर थर्टीन, एटीन नंबर पोजीशन पे थ्री थ्री किल्स वहाँ पर बंटी बैड बॉयज आई थिंक इनकी टीम का नाम मुझे पता है, नाइनटीन नंबर पोजीशन पे जोकर की टीम यहाँ पर फिर से दो किल के साथ, ट्वेंटी नंबर पोजीशन पे ट्वेंटी वन नंबर पोजीशन पे गन सिंगर सोहा की टीम, ये आई एम एंडी की टीम यहाँ पर ट्वेंटी टू नंबर पोजीशन पे, शुभम की इनकी टीम यहाँ पर तीन किल के साथ ट्वेंटी थ्री नंबर पोजीशन पे, वहाँ पर ओमकार की टीम यहाँ पर ट्वेंटी फोर नंबर पोजीशन पे विथ वन किल, और डेविल बॉन्ड की टीम यहाँ पर ट्वेंटी फाइव नंबर पोजीशन पे, जो कल मिल जाएगा गाइस। और यहाँ पर आप पता देना चाहता हूँ वेगा के वेगा में हम टूर्नामेंट रख दिए हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन 9 से 11 तक, उस पर डिपेंड होगा कि प्राइस कितना हम रखेंगे और 32 टीम्स हमें चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो आप इसके बारे में इसके बारे में सुशांत से कांटेक्ट कीजिए और बेकार बिल भाई उसे, बहुत अच्छा खेला बंदा जो हमारा स्क्रीनशॉट भी डाला है उन्होंने चिकन डिनर के साथ, वहाँ पर प्रिंस डार्क प्रिंस इतना डार्क प्रिंस बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंस, वहाँ पर ओपी खेला ब्रो, क्या ही खेला। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो।